उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार देर शाम भीषण आग लग गई। ये आग एक घर में बने सीट कवर के गोदाम में लगी। आग की भयावहता देख इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। घटना में किसी के हताहत की खबर नहीं है। दरअसल हजरतगंज के लालबाग इलाके में सीट कवर के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। मौके पर कुल 6 दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर नियंत्रण पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने एक्ट किया, इसी के हजरतगंज इंस्पेक्टरगंज CFO और फायर ब्रिगेड की करीब 5-6 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग को कंट्रोल कर लिया गया है। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है अभी तक, केवल धन हानि है। अभी स्टिल दे आर वर्किंग और पूरी तरह से इसको खत्म करने के लिए प्रयास जारी है। किस चीज़ का ये गोडाउन था, लगभग कितने बजे आग लगी? एक्चुअली इसमें सीट कवर की एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाइप की थी जिसका वर्कशॉप था ये, और ये आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। लेकिन अभी इसकी इस पर जाँच की जाएगी प्रॉपर, क्योंकि जाँच का कि आग का कारण क्या है। अब इट इज़ अंडर कंट्रोल।